हमारे देश को, अमेरिका को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। 5 अगस्त से पहले कश्मीर को जलाने की साजिश बेनकाब हुई है और कश्मीर के लोगों को भड़काने की प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है। लाइव चैट में करीन जोधा फिशर का बहुत बड़ा कबूलनामा, कश्मीरियों को आसानी से पाकिस्तान में मिलाया जा सकता है, आसानी से पाकिस्तान में मिलाया जा सकता है। करीन की प्लानिंग, कश्मीर में हंगामा कराना बेहद जरूरी है, हंगामा करा के उसको हम पाकिस्तान में मर्ज करा सकते हैं। सुनिए, I lived there for 10 years. Almost all my friends were pro-merger with Pakistan, solidly. Solidly Gilani followers. So, you know, if somebody asked me about my own statistics of the many people I know, okay, and worked with in the valley, it was definitely pro-Pakistan merger. But I also think generally if Kashmiris somehow go to Pakistan, get there, you know, it's very easy for them to become Pakistanis. And maybe some noise could be made about, you know, that possibility. सुन लिया आपने? मैं 10 साल वहां रही हूं, मुझे पता है। गिलानी के फॉलोअर्स के बारे में मैं जानती हूं और वहां के लोगों का कि भावना यह है कि हम पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। जाहिर है उनको तर्जुमानी वैसी ही करनी है जैसी उनको सूट करती है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक एक नतीजा ही निकाल दिया और उसके बाद यह कहा कि पत्थरबाजी। अरे अगर भावनाएं यह हैं तो पत्थर की जरूरत क्या है? अब इस बात को लेकर चलता हूं मैं अपने मेहमानों के पास और आरती टिक्कू जी के पास जाऊं। उससे पहले मैं इस बात को अंडरलाइन कर दूं कि देखिए अभी जनरल सिन्हा ने इस बात को कहा था और आपको यह सुनाई दे गया था। उन्होंने कहा था 90 के दशक का हवाला देते हुए और हुर्रियत गुट का हवाला दिया था। देखिए हुर्रियत का गिलानी गुट, क्या उसकी साजिश थी और कैसे वो हैंड इन ग्लव रहा है, ये भी आपके सामने है। लेकिन अब आरती टिक्कू जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके फौरन बाद मुनीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुनीश राजदादा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अमेरिका की धरती से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले आरती टिक्कू जी, ये तो इंटरनेशनली एक तरीके से रैकेट फैलता जा रहा है। देखिए आज फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए से मैं जो कहती आ रही हूँ पिछले 20 साल से, उसकी पुष्टिकरण हुई है। एक बार फिर से प्रमाण मिला है कि कई सारी ताकतें, विदेशी ताकतें जो हैं, जो भारत में घुसकर और भारत में रहकर, जैसे कैरन फिशर जो है, मैं कहूँगी कि वो भारत की दुश्मन और पाकिस्तान की एजेंट रहकर कश्मीर में रही। और सबसे बड़ा सवाल जो होना चाहिए वो भारत की कौन सरकार में कौन लोग थे जिन्होंने उसको 10 साल यहाँ रहने दिया, और दूसरा कि वो दिल्ली में बिल्कुल ओपनली, और कश्मीर में भी, क्योंकि मैंने कश्मीर में काम किया है, मैं उससे मिली भी हूँ, वो ओपनली बहुत ही ये कहती थी कि वो तो पूरी सरकार में, दिल्ली की सरकार में सब लोगों को जानती है, वो सारे मंत्रियों को जानती थी, वो यूपीए सरकार के टाइम पे अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट मानती थी, और वो खुलेआम पाकिस्तान की तरफदारी भी करती थी। वो खुलेआम जमाते इस्लामी, जो अब बैंड ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में, उसकी तरफदारी करती थी। वो खुलेआम पूरा जो सेपरेटिस्ट जो एजेंडा है वो चला रही थी। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन स्टेट की तो बनती है, कहीं ना कहीं फेलियर तो है इंडियन स्टेट का भी, कि जिसकी वजह से वो 10 साल कश्मीर में उसने निकाले। दूसरी बात ये कहूंगी कि देखिए वो अमेरिकन जर्मन सिटीजन है और उसका नेटवर्क पूरा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। वो गुलाम नबी फाई से लेकर जितने भी पाकिस्तान के एजेंट, कश्मीरी एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट अमेरिका में है, उन सबके साथ उसका नेटवर्क है, वो उनके साथ मिलके काम। जो आपने नाम लिया है अभी आरती टिक्कू जी, ये नाम आज डॉक्टर मनीष को, जब मैं मुनीश को ये कह रहा था कि शाम को मेरे शो के लिए प्लीज आप टाइम निकालिए और जुड़िए, उन्होंने कहा था गुलाम नबी फाई उन लोगों में एक ऐसा नाम है जिस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इंडियन एजेंसी को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।